किसान भैया बिन्नारों की खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संग हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी, प्रमुख वैज्ञानिक अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई से। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भैया बिन्नारों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं, तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को है। हेलो, हाँ सर जी नमस्ते। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ हम गोविंद बोल रहे हैं, कुशवाहा ग्राम चांदामऊ सर। गोविंद कुशवाहा जी चांदामऊ से जी। तो बताओ भैया क्या जानकारी चाहिए आपको आज के कार्यक्रम में? जानकारी सर ये चाहिए का है अपने माने खेत में का है गोंदरा है वो सर। अच्छा गोंदरा की सर दवाई चाहने है। चलो भैया आपकी समस्या को समाधान बता रहे हैं रघुवंशी जी, सुनो ध्यान से जी। हाँ भैया राम राम। जो अपने खेत में गोंदरा की समस्या है तो गोंदरा तो क्या होता है आपने देखा ही है? गोंदरा और समाई है सर। हाँ गोंदरा जो है वो समाई है। तो ये क्या है गोंदरा अपना है ना नीचे मिट्टी में कई फीट नीचे तक जाता है। ये आपने खोद कर देखा होगा कभी? कभी खोदा है कि नहीं खोदा उसको गोंदरा को? ये अपनी ज्वार भी है कछुओं में। हाँ तो ज्वार जो है अपन ने मक्का लगाई है ज्वार लगाई है तो इसका हम आपको बताएं कि गोंदरा जो है ना इसके लिए रसायन में है और जो का है सोयाबीन लगो है। हाँ हाँ वही में है ज्वार भी है और सोयाबीन वही में माने जो कचरा है। हाँ तो अब देखो जो गोंदरा है ना गोंदरा मिट्टी में नीचे बहुत गहराई तक जाता है ठीक है। तो अपने को जहाँ ज्वार अपन ने बोई है उसमें तो आप लोग हाथ से दवाई करें अपनी, क्योंकि अभी क्या है अपने बरसात बहुत कम हो रही है ठीक है ना। तो अब बरसात कम हो रही है ना तो वहाँ पे अपन क्या है कि ज्यादा दवाइयों तरफ ना जाए ठीक। और तीसरा इसमें क्या है अपना ठीक है डॉक्टर साहब आपको क्या बताइए कि मारे चूला बेचते हैं हाथ से पटा लो जाओ अच्छी बात हाथ से पटा लो जाओ। और एक बार अपनी साइकिल आता ना निंदाई गुड़ाई की जिसको अपन हो बोलते हैं, यदि अपने साथ साइकिल हो या तो उससे अपन साइकिल से आजकल बहुत अच्छी निंदाई गुड़ाई हो रही है। और अपन ज्वार वही है ना वहाँ दो ही तरफ से अपन निंदाई गुड़ाई कर देंगे ना तो पूरा क्या है कि पानी यदि आपका कम भी बरसेगा ना तो भी फसल पे एकदम से पानी कमी महसूस नहीं होगी। डॉक्टर साहब एक बात और है। हाँ फूलों की जैसे खेती करने हैं तो सर कहाँ मिलते हैं पौधा? पौधा देखो आजकल क्या कहते हैं कि पौधा तो हम ये बोल रहे हैं कि पौधा फूलों खेती के लिए बरसात के मौसम के अलग फूल आते हैं। गुलाब वगैरह के मिल जाए अपने जाते तो गुलाब की तो कटिंग लग जाती है आप मतलब नर्सरी आसपास हो ना तो वहाँ से कटिंग लगा लें अपनी गुलाब की। तो बाकी अपन ये आजकल क्या है बरसात की फूलों की खेती अलग होती है फिर अपनी ठंडों की अलग होती है और गर्मियों की अलग होती है ठीक है। तो अब बरसात की अपन ऐसी जगह में आ गए हैं अपन लोग कहते हैं कि अब अपन यदि उसकी पौध बनाएंगे तो पौध बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। गमले में भी लगा सकते हैं क्या सर? गमले में लगा सकते हैं, घर पे क्यों नहीं लगा सकते? जी जी घर पे भी लगा सकते हैं लेकिन अपन तो ये चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ी देर खेती बढ़ाएं तो अभी अपनी मतलब एक दो विश्वास में फूल की खेती कर सकते हैं मतलब। और थोड़ा सा ये ध्यान रखें फूल की खेती का कि फूल का जब अपना ऐसे टाइम में हम फूल लगाएं कि जैसे तीज त्योहार आता है ना अपने तो उस टाइम क्या है तो फूलों की मांग बढ़ जाती है तो हमें भाव अच्छा मिल जाएगा मतलब ठीक है ना। और तीसरा जहां भी आपको मंदिर के आसपास कहीं फूल बनते हैं ना तो उनको ऐसा ना करें कि फेंक दें उनको सड़ा कर उनका खाद भी बन जाता है फूलों का मतलब। ऐसे मंदिर से उतरे हुए फूल होते हैं ना तो उनको आजकल लोग ऐसे फेंक देते हैं तो नदियों में भी ढेर लगता है गंदगी फैलती है। तो अपन मंदिर से यदि कहीं अपना है फूल की ज्यादा उतरन होती है ना तो उसको अपन आसपास सड़ा कर अपना खाद भी बना सकते हैं उसका फूल बहुत जल्दी सड़ता है मतलब। ठीक है गोविंद भैया। हाँ जयराम जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो हेलो किसान वाणी बिल्कुल भैया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम है। हाँ और भैया अपनो परिचय भी दे दो। हम बोल रहे बदौना से अनंतराम अहिरवार। अच्छा अच्छा अनंतराम भैया बहुत बहुत स्वागत है। हमने सर पौध भाई है काय की टमाटर की। अच्छा तो मैं वो सफेद फफूंद सी लग रही है साहब। अच्छा अच्छा बीज उपचार करो तो भैया बीज कहाँ से लो तो और बीज उपचार करो तो? हमने बीज उपचार नहीं करो दुकान से ले आए थे पुड़िए। अच्छा वो भाई। चलो भैया आपकी समस्या को समाधान बता रहे हैं रघुवंशी जी, सुनो ध्यान से जी सर। तो अनंत राम जी अब आपने पौध तो लगाई दी है ठीक है। अब आपने शुरू में अपने बीज उपचार करो कि नहीं करो ये अपने को ध्यान भी नहीं है। तो अब आपने जो एक फफूंदनाशक दवाई आता है मैंकोजेब और कार्बन डाइजेम का मिक्सचर आता है ठीक है। तो दोनों की दवाई का आप 2% घोल बना के मतलब 1 लीटर में करीब 20 ग्राम दवाई को घोलने बढ़िया ठीक है। और घोलने के बाद उसको पूरे पहले तो पौधों पे मतलब वो कर दें स्प्रे छिड़काव
और फिर साथ में क्या है कि जिस जगह में अपन ने मिट्टी में अंदर, क्योंकि फफूंद अंदर जड़ों में लगेगी तो पूरी पौध खराब हो जाएगी हमारी, तो उसमें उस पानी से दे दें सिंचाई हल्की सी, मतलब ज्यादा ऐसे लथपथ ना करें, मतलब पूरे में मतलब ज्यादा पानी भर देने, टमाटर वैसे गलने लगेगा। ठीक है, वैसे अपन ने क्यारी तो ऊंची बनाई होंगी, थोड़ी सी 4 इंच ऊंची बनाई कि नहीं बनाई, कि ऐसी सामान्य खेत में लगाई अपन ने? कहा भैया जो थरा अपन ने लगाओ है वो भैया थोड़ा ऊंची जगह पे अपन ने बनाओ है के समतल जगह पे बना दो? वो समतल जगह है सर, न ज्यादा ऊंची है न ज्यादा सर। तो अब आप अनंतराम जी एक काम करना कि जहां जहां अपन ने पौध की जो बनाओ ना थरा, तो वहां पे आसपास थोड़ी सी नाली बना दो, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा भरना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब। और तीसरा क्या कहना है कि जो मैंने 2% मैंगो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के घोल बनाने की बोली फफूंद नाशक दवाई की, उससे पौधों में पानी दे दो आप, तो अंदर तक कहीं फफूंद होगी तो आप पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है भैया जी सर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। जय राम जी भैया। और आओ भैया बन्नाहरो, अब सुना थे राजू पटेल और उनके संगी साथियों को गाओ भाव जो सेहरा। अरे पहली तो पावन रे, पहली तो पावन, अरे अकेली भाई हो, अरे तुझे बराबर सा, अरे सहो ना भाई, मैंने चुनरी लई है लगा, मैंने चुनरी लई है लगा, अरे मैंने चुनरी लई है लगा। अरे असरा तो तेरे रे, असरा तो तेरे, अरे सहो ना लागे हो, अरे दुआ रही रे हरे यार, तीरन लो अउआ अरे आए ने, अरे मोरो जीरा धरे ना जी, ए मोरो जीरा धरे ना जी, अरे मोरो जीरा धरते ना जी। अरे साहुन सुहानी रे, साहुन सुहानी, अरे मुरली लगे हो, अरे भादो सुहानी हो, पूरी सुहानी, अरे जब हई लगे, अरे बारे खेले बोर के दो, ए बारे खेले बोर के दो। जने रे और जाए गोरे जन, अरे झूला करे हो, अरे झूले सवई सने सार, एक ने झूले अरे ला कने बहु, अरे जेके सैया गए पर दे, जेके सैया गए पर दे, अरे जेके बलवा गए पर दे। अरे क्योंने जुनरिया रे, क्योंने जुनरिया, अरे पिया जने बहो, अरे को रखवरिया जाए, हम तो चले जे अरे अपने माए के, तोरे भुंटा बरे दीखा, ए तोरे भुंटा बरे दीखा।
हेलो किसान वाणी से। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। गुड्डू चौधरी बोल रहे, बांगवाली धुंगड़ा जिला, स्वागत है। गुड्डू भैया बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। बताओ भैया, अब किसानी में का हो रहा हो? किसानी में जो हो रहा है, 15 दिन की 16 दिन की हो गई बोली तो हमारा जो प्रश्न है, तो आज खरपतवार को कौन सी दवाई डाले, कितने दिन में डाले, कूड़ा मर जाए खरपतवार। चलो भैया, आपकी समस्या को समाधान बता रहे हैं रघुवंशी जी, सुनो ध्यान से। फसल कौन सी भैया अपनी? सोयाबीन। मेरी एक सलाह है आपको कि अपन ने सोयाबीन कितने बीघा में बोया है? अपन तो 18 क्विंटल बोए। 18 क्विंटल मतलब काफी ज्यादा वो उसमें है, तो दवाई अब तो क्या ना था, तो हम हाथ से लंदवाते। नहीं, तो आप तो एक काम करना कि 18 क्विंटल वो है तो अपन करीब 100 बीघा के आसपास जमीन है करीब, ठीक है ना जी। तो अब उसमें तो अपना जो एमआईजी थापर और एमआईजी मॉक्स दो दवाई आता है मिश्रण, एमआईजी थापर और एमआईजी मॉक्स का मिश्रण, तो ये क्या है कि चौड़ी पत्ती वाली सकरी पत्ती वाली दोनों खरपतवारों को जी मारता है, ठीक। अब आपकी उम्र तो करीब 15 दिन की हो गई, खेत में नमी अच्छी है कि नहीं है? नमी पानी तो अच्छा गिर गाओ, कल बहुत ज्यादा नमी गिर गाओ ना, तो अब आप बिल्कुल आपका 15-16 दिन का सोयाबीन होगा, तो आप जो एमाइजोमॉक्स और एमाइजोथापर दवाई का मिश्रण लेके और कल से ही ट्रैक्टर से स्प्रे करना चालू कर दो पावर पंप से, ठीक है ना। एक एकड़ में कितने पंप लगे? अब अपने छोटे पंप से करते हैं कि बड़ी मशीन ट्रैक्टर वाले से करते हैं? पेट्रोल वाले से, 22 लीटर पानी। हाँ तो वो तो अपना एक बीघा में वैसे 7 पंप की सलाह देते हैं हम तो एक बीघा में। अब आप लोग क्या वो फर जल्दी जल्दी करते हैं, जब दवाई ज्यादा डाल लेते हैं, तो हमारा तो ये मतलब है कहते हैं कि 1 लीटर में अपन 3 ml तो दवाई डालें, ठीक है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं कि अपन पौधे को अच्छा बढ़िया नहलाएं, मतलब अब देखो क्या होता है, देखो अब बताऊं मैं आपको कि कचरा कहाँ निकलता है, जमीन पे, और अपन जो अपने जो दवाई डालते हैं वो कर रहे फर ऊपर पौधे के ऊपर करते चले जाते हैं, तो हमारा कहने का मतलब ये कहते हैं कि उनसे जब अपन दवाई डलवाएं तो दोनों कूड़ों के बीच में डलवाएं, मतलब जी। और ये हमें बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि अपन ने जैसे ठेका दे दिया तो वो क्या फर फर करते हुए फटाफट, मतलब उन्होंने बोला कि हमको तो हमारा वो कॉन्टेक्ट हो गया है तो हमको जल्दी दवाई स्प्रे करना है। तो मेरा ये सलाह है कि दवाई का पूरा उपयोग करने के लिए अपनी जो खाली जमीन है दोनों कूड़ों के बीच में, मतलब मिट्टी के ऊपर दवाई पड़ना चाहिए, कौन सी कचरे मारने की, ठीक है। और इस टाइम कचरे मारने की दवाई डालो तो उसमें आप कीड़े मारने की कोई दवाई ना मिलाएं, क्यों कीड़े पौधे के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्या होता है कि यदि कचरे मारने की दवाई आपने पौधे के ऊपर डलवा दी तो पौधा थोड़ा सा एकदम से परेशान हो जाता है, मतलब और अपन कहते हैं हमारे पौधे की थोड़ी सा स्वस्थता दिख रहा है हमको, तो आप इस बात की दें कि आप बड़े क्षेत्र में आपने सोयाबीन लगाया है तो जो एमआई था पर एमआई जो मुक्त दवाई का जो मिश्रण है उसको दोनों कूड़ों के बीच में दवाई डलवाएं मिट्टी के ऊपर, और फिर जब अपन को अपना सोयाबीन जब 25 दिन का हो जाएगा उस टाइम अपन देखें कोई कीड़े मकोड़े की समस्या तो नहीं आ रही हमको, और कीड़े मकोड़े की समस्या हम देखेंगे शाम को दिन में 4 बजे के आसपास, क्योंकि सुबह आप खेत में देखने जाओगे आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी, शाम को जाओगे तो कुछ भी कुछ थोड़ा सा कीड़ा वगैरह होगा कोई हमें दिखेगा, पत्ते काटने वाला है कुछ भी, तो शाम के टाइम हमको आराम से दिखाई दे देगा। महोदय जी एक प्रश्न हुआ तो हमारे मन में। हाँ हाँ बता भैया। जैसे डीएपी खाद तो मिलो नहीं है, अगर भी नहीं मिल रहा हो तो अपन ने बिना खाद को बाओ तो ऐसा कुछ उपाय बताओ खाद की भरपाई हो जाए। आप एक काम कर सकते हैं कि अपने यहाँ से जीवाणु खाद के पैकेट आते हैं जबलपुर से, जो अपना कृषि विश्वविद्यालय है ना जबलपुर में जी। तो उनमें से क्या करो आप जो अपनी केचुआ खाद होता है ना उसमें लाके उन पैकेटों को मिला के, और जैसे ही आपने देखा कहते हैं कि हमें थोड़ी सी बतर की स्थिति बन रही है, ठीक है। लेकिन अब उसमें भी समस्या क्या है कि आपने यदि कूड़ों के बीच में छिड़काव किया ना तो उसका मिट्टी मिलना जरूरी है, अब इस टाइम अपन खेत में कुछ भी नहीं कर पाएंगे खाद के बारे में ज्यादा, तो आप तो एक काम करो फिर मतलब कचरे मारने की दवाई डाल दो, और फिर करीब जैसे हमारा सोयाबीन हो जाए 25 दिन का या 24-25 दिन का, ठीक है ना, उस टाइम जो अपना 19-19-19 का एक वो आता है
एनपीके एक और का यूरिया है वो बात अलग रही है 600 की एक ही बार खोआ। अच्छा नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं आप। देखिए बस अकेली पूर्ति होगी अकेली यूरिया की होगी, इससे क्या रहेगा पौधा अकेला हरा भरा हो जाएगा रसीला हो जाएगा तो उसमें कीड़े मकोड़े और ज्यादा आएंगे। रघुवंशी जी का जो नैनो डीएपी भी डाल सकते हैं। नैनो डीएपी भी आ रहा है। हाँ तो एक काम करो आप फिर अपना नैनो डीएपी है ना नैनो डीएपी और नैनो यूरिया अब लेकिन क्या अपना या तो डीएपी का उपयोग करना ठीक है नैनो क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी रहेगी अपना स्पोर भी रहेगा पोटास अकेला नहीं रहेगा ठीक ना। तो आप इस टाइम अपने को जे जहाँ यदि 19-19-19 का मिल जाए तो उसका देख लेना नैनो डीएपी का आप स्प्रे कर दो ठीक है सर। लेकिन ये ध्यान रखना अपने को 28 दिन के पहले ही पहले करना है। बाद में क्या होता है उनके अंदर मतलब क्या है उसमें गठाना बनने लगती है और फिर धीरे धीरे हमारा जैसे हमारा सोयाबीन हो जाएगा 35 दिन का 35 से लेकर 42 दिन में हमारे खेत में फूल आना चालू हो जाएगा जल्दी समय वाली वेरायटियों में। तो उस टाइम यदि हमने कोई ऐसा तत्व दिया तो वह फूल आना कम हो जाएगा और पौधा हरा भरा उस तरफ वृद्धि करने लगेगा। ठीक है गुड्डू भैया नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार भैया और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया कार्यक्रम हेलो किसान वाणी आकाशवाणी सागर। जी सर नमस्कार तिवारी। नमस्कार भैया अपन को आप बोल रहे लक्ष्मण सिंह बोल रहे सर बहुत राई से। लक्ष्मण भैया बहुत बहुत स्वागत है। जी सर बताओ भैया क्या जानकारी चाहिए आपको। क्या जानकारी चाहिए अबे सर सोयाबीन अपन बो सका थे क्या लेट होगा मतलब सरकार कथी की जगह मतलब मर गई है सर जमीन नहीं है। अच्छा बारिश कैसी का भाई भैया अब आपके थे। बारिश तो बहुत पानी हो गया सर बहुत ज्यादा नमी पर्याप्त हो गई जमीन में। हाँ सर। तो चलो भैया आपके लाने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रघुवंशी जी सुनो ध्यान से। हाँ भैया जी राम राम जी। आपने पूरे में सोयाबीन लगाया था पूरे खेत में। जी सर सोयाबीन बोया था सर एक बार की बोरी मतलब दब गई सर बारिश। अच्छा मतलब पड्डा टाइप का पड़ गया। तो उसमें कौन सी किस्म लगाई थी अपन ने। सर वो तो अपनी एम है कोई सर। अच्छा तो अब आप एक काम करो क्योंकि अपन लेट तो ही गए ठीक है और वैसे अपने क्षेत्र में मतलब अपन 15 तारीख तक बोनी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप ऐसा करें कहते हैं कि जो हमारा जेएस 95 वेरायटी है ये कम समय की है मतलब। अच्छा, तो आपका लेट हो गया ना तो इसको लगा लें आप ठीक है और बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें मतलब क्योंकि मिट्टी का तापमान कम हो जाता है ना तो जर्मिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी कभी और बिल्कुल ऊपर ऊपर बोए मतलब 1 से 1 इंच के आसपास ही मतलब इससे नीचे गहरा ना जाए। अच्छा बीज उपचार कर लें उसमें और खाद की मात्रा पहले खेत में और मिला दें मतलब। ठीक है लक्ष्मण भैया। नमस्कार भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बन्ना हरो आओ अब सुनते हैं रामचरण यादव और उनके संगी साथियों को गाओ भाओ जो सेरा। असरा लागे रे असरा लागे अरे मोरी सखिया दूबा उठी अरे आए बीरन लो बउआ अरे आए न मोरी सुनहरी धरी है रंगा अरे पटिए पर गलुओं पे फेरे रूमा साहुन सुहानी रे साहुन सुहानी अरे रने
सुरिहा भादो सुहानी मोर चिड़िया सुहानी अरे जब हई लगे बारे खेले पर के दो कबे कबे धरनी रे कबे कब धरनी अरे काजर दे कब कब करे सिंगार कब कब भरनी अरे गरे भेरई कबे सो रही पिया के साथ असरा धरनी रे असरा धरनी अरे काजर दहा साहुन करे सिंगार धुआ धरनी अरे कर बेरई वारे सो रही पिया के साथ साहुन से मैये रे साहुन से मैये अरे मीठी लगे हाँ भादो भैंस के दूध नहीं नहीं कौए अरे प्यारी लगे जिनके पहले चलावन हो हेलो हेलो सर हेलो किसान वाणी बिल्कुल भैया कार्यक्रम हेलो किसान वाणी आकाशवाणी सागर जी सर रामलाल बोल रहे बहुत बहुत स्वागत है राममिलन भैया जी सर बताओ भैया क्या समस्या आ रही है सर थोड़ी सी थरवा है मेरे चारों को मैं फपून लग रही सर दीमक फपून लग रही है दीमक हाँ दीमक लग रहा सर पेड़ सुखो रहा है वो पेड़ काट देते है अच्छा थरवा है सर थोड़े से लगे को भाव जा रहा भाई चलो भैया एक ही जानकारी आपके लाने दे रहे हैं समस्या को समाधान बता रहे हैं डॉक्टर रघुवंशी जी सुनो ध्यान से हाँ भैया राम राम देखो अपने को क्या है कि अब बरसात का समय है तो फफूंद से ही बचाना है और ये दीमक से ही बचाना है तो आप एक काम करें कि अपनी एक दवाई आता है मैंकोजेब और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण फफूंद नाशक दवाई ठीक और दूसरा आपने नाम सुना हुआ आपने क्लोरोपाइरीफास कीटनाशक तो इन तीनों का एक मिश्रण बनाकर ठीक है अपना जितना भी क्यारा कितने बाई कितने फीट का है अपना 10 फुट 4x4 उसमें अपने को पूरे में जैसे अपने बोले थे ना झारोरे थे अपन झारे से पानी देते पौधे ऐसी दो दो करीब 3-3 सेंटीमीटर पूरे में सिंचाई दे दो सिंचाई से क्या रहेगा कहना वो जमीन में नीचे जल क्षेत्र तक पहुंच जाएगा तो फफूंद है तो फफूंद भी मर जाएगी आपकी और दीमक होगा दीमक भी मर जाएगा देसी खाद तो हुआ सर हमने हमने तो अच्छी बात है देसी खाद से मिट्टी की स्थिति अच्छी रहेगी उसमें देसी खाद से लेकिन इसका स्प्रे कर दोगे ना तो आपका फफूंद भी खत्म हो जाएगा हानिकारक वाला और साथ साथ में अपनी दीमक होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा और सर वो पिस गया किनारा आई गई थी सर वो मैं भी दीमक लग रहा हूँ समझ में भटा भी लगो है तो जहां जहां दीमक लगाया ना उसमें आप क्लोरोपाइरीफास को मिक्स कर लो और चूंकि जो आधे सड़े पौधे रहते हैं ना आधे सड़ा जो कचरा रहता है ना उसमें फफूंद भी बनते हैं तो इसलिए हम फफूंद नाशक की भी सलाह दे रहे हैं आपको मैंगो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है ना
उसका 2% घोल बना के आप बिल्कुल छिड़काव कर दें, तो मतलब हल्की सी पानी से देना खेत में, पानी बहके भी ना निकले जी सर, तो उससे फफूंद भी खत्म हो जाएगी आपकी और साथ साथ में हमारा दीमक होगा वो भी खत्म हो जाएगा जी सर। माने ड्रिप से आई है ना कहानी, कुल मिलाकर ड्रिप जैसा ही लेकिन जड़ क्षेत्र तक नमी पहुंच जाए पानी जी सर, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं, और इसको क्या है पौधे के ऊपर नहीं देना, जल क्षेत्र में सिंचाई देना इस पानी की जी सर, जी सर, ठीक है ना, ठीक है भैया, ठीक है सर, जयराम जी की सर, जयराम जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम में आपने फोन लगाओ। हेलो, हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम, हेलो किसान वाणी, नमस्कार, नमस्कार भैया, सलमान बोल रहा था नाम से, सलमान भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में, बताओ भैया क्या जानकारी चाहिए आपको, जिंदगी की पेड़ लगाए थे अपन ने, अच्छा उनकी जड़ें थी खत रही है, जड़ों में का हो रहा हूँ खत रही है बिने से, अच्छा अपन लगाई है अपन ने पता था की दसवाल में, चलो भैया आपको जानकारी दे रहे हैं रघुवंशी जी, सुनो ध्यान से, तो जड़ों में क्या समस्या आ रही है अपनी इनकी गिलकी की जड़ों में, फफूंद लग रही है नेते, तो वही तो बोल रहे फफूंद लग रही है, तो अच्छा अपन ने क्यारी लगाई है क्या समतल खेत में लगाई है अपन ने, नहीं अपन ने लगाई थी अपन ने, अच्छा तो आप तो एक काम करना कि जहाँ अपने गिलकी का पौधा लगाया ना उसमें 2% मैंकोजेब और कार्बन डाइजिंग फफूंद नाशक दवाई, ठीक है, और साथ में उसमें ही 1 लीटर में कम से कम 3 ml अपनी डाल देना क्लोरीपाइरीफास, कहीं थोड़ी सी आदि पुराना खेत होगा या कहीं नरवाई वगैरह सड़ रही होगी ना तो कहीं कच्चे पदार्थ में दीमक बन जाता है, ठीक है, और दीमक की समस्या भी आकर जड़ कटने लग सकता है कभी कभी, तो इनसे बचाव करने के लिए पौधे की सिंचाई कर दें, ठीक है सलमान भैया, ठीक है, नमस्ते, नमस्कार भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ, और डॉक्टर रघुवंशी जी कार्यक्रम समापन की ओर है, तो एक पहले कार्यक्रम समाप्त हुए हम आपसे जो भी जानबो चाहते हैं कि अब खरीफ के मौसम में खरपतवारों की समस्या बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, तो इनको नियंत्रण कैसे किसान भैया करें जिससे उनकी लागत भी कम आए और फसलों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर न पड़े। तो तिवारी जी जो आपने प्रश्न किया है बहुत ही समसामयिक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, तो किसान भाइयों को हमें ये बोलना है कि जिन क्षेत्रों में किसान भाइयों ने ऐसे उर्द लगाया है, मूंग लगाया है और सोयाबीन लगाया है जी, अब क्या होता है कहते कि आजकल का एक समय चल रहा है कि सब लोग दवाई तरफ भागते हैं कि हम तो वैसे कुछ भी हुआ दवाई दे दो, ठीक, तो अब मैं तिवारी जी आपके इस माध्यम से किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि जो दवाइयां इसलिए बनी थी कचरा मारने की कि भाई हमको पानी इतना बरस रहा है, कहते हैं कि समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है निंदाई गुड़ाई करने के लिए जी, और बिल्कुल देखते हैं कहते हैं कि भाई बतर आई और हम खेत तक पहुंचे तैयारी करके, कहते हैं कि हमको निंदाई गुड़ाई करना है तो फिर पानी आ गया, तो इसलिए जी रसायन आए थे कचरा मारने वाले कि भाई यदि 2 घंटे का भी समय मिल गया है और खेत में कीचड़ है अपन पैर गंदे हो रहे हैं जा रहे हैं तो भी दवाई हमारा काम करके कचरे को नियंत्रित कर दे जी, अब उसको हमारे किसान भाइयों ने बना लिया एक पूरा मेन काम का भाई कचरा मारने की दवाई का ही छिड़काव करना है, तो मैं आपके इस माध्यम से कहना चाहूं किसान भाइयों से कि यदि उनकी जमीन हल्की है तो हल्की जमीन में वे लोग बिल्कुल अपना जो आजकल कुलपा आते हैं डोरा आते हैं और एक आती है हो जिसको बोलते हैं साइकिल कचरा चलाने वाले, तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि भाई जिनके यहाँ छोटी खेती है 10 बीघा जमीन है 2 बीघा जमीन है तो वे लोग दवाई तरफ ना जाएं और अपना बिल्कुल साइकिल आता कचरे वाली इससे पूरी निंदाई गुड़ाई करें, इससे क्या रहेगा पूरा कभी कभी अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कई जगह पानी कम बरस रहा है जी, तो आजकल क्या है कि जैसी थोड़ी सी गर्मी तेज आई ना तो खेतों से पानी की नमी उड़ती है, तो उससे इससे ही बचाव हो जाएगा हमारी साइकिल से निंदाई गुड़ाई करी तो उसकी जो मिट्टी की जो नालियां हैं वे टूट जाती हैं नली, जिससे कि हम बोलते हैं कि भाई नमी खेत की उड़ रही है उस हल्की सी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो उसमें पूरा बढ़िया बतर आ जाएगी और हमारे पौधे भी अलग टाइप के खिले से मिलेंगे जी। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जिनके पास यदि ये व्यवस्था है साइकिल वाली, क्योंकि ये कृषि विभाग के द्वारा साइकिल बहुत ही अनुदान पर किसानों को उपलब्ध है, तो सब किसान भाई लें और जो छोटे किसान भाई हैं जिनकी मिट्टी हल्की है वो इससे निंदाई गुड़ाई जरूर करें जी जी। अब यही बात आती है हमारी कहते हैं कि भाई किसान भाई ज्यादा क्षेत्र में सोयाबीन लगाए समस्या है मजदूरी की, मजदूरी नहीं मिल रहा है तो वहां पर फिर क्या होता है कि हमारे जितने भी रसायन बने हुए हैं और आजकल क्या हो रहा है कि सब बाद में नियंत्रित करने वाली दवाइयां आई हैं, इसमें आजकल चौड़े पत्ते वाली खरपतवार भी आते हैं और सकरे पत्ते वाले भी आते हैं, तो इनसे बचाव करने के लिए इमाज थापर और इमाज मोक्स एक दोनों दवाइयों का मिश्रण सबसे आज के समय में उपयुक्त है। अकेला इमाज थापर करेंगे तो कुछ बोलते हैं सर हमारे सकरे पत्ते वाले कुछ बच गए या कुछ खरपतवार निकल आए दोबारा से, तो मैं ये दोनों का बोल रहा हूँ इमाज थापर और इमाज मोक्स इस दवाई को लाकर स्प्रे करवाए और स्प्रे करने की जो उम्र है सोयाबीन की वो है 18 दिन से लेकर 26 दिन के बीच में, 18
उत्पादन से थोड़ा सा यदि छोटे में हम कर देंगे तो भी तोल पौधों पर असर आता है। हाँ, तीसरा क्या है कि जब घोल बनाएं तो घोल बिल्कुल ऐसा बनाएं कि टंकी में करीब पहले पानी भर लें फिर दवाई मिश्रण करें। जी जी, हमारे कई जगह किसान भाई क्या करते हैं कि उन्होंने दवाई ली और उसमें डाल दी तो दवाई स्टार्टिंग में नली में पहुंच गई, बाद में पानी भर दिया तो जहां वो उन्होंने शुरुआत में दवाई का स्प्रे करते हैं तो वहां पौधा हमारा बिल्कुल हल्का सा पीला होकर और मरसा जाता है। तो बोलते हैं साहब वो तो एक दो लाइन का हमारा सोयाबीन बिल्कुल खत्म सा हो गया और बाकी में क्या किया उन्होंने पूरा पानी छीट दिया। तो घोल बनाना एक आजकल अहम हिस्सा है। तो घोल प्रॉपर वे में बनाए, सही तरीके से बनाए और आजकल क्या है हर काम चल रहा है ठेके पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दवाई का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो दवाई में ये ध्यान रखें कि कचरा हमारा जमीन पे निकलता है और किसान भाई क्या करते हैं कि पूरा सोयाबीन के ऊपर फर 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 करते हुए तेजी से स्प्रे करते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि जो यदि आजकल एक रोड आती है जब ज्यादा हम प्रेशर से काम करवाते हैं तो उसमें क्या है करना है कि जो नालियों के बीच में बिल्कुल जमीन से टच करते हुए हमारा वो रॉड को पकड़ कर दो आदमी चलें और उसके प्रेशर से मतलब पूरा स्प्रे करें जी। तो उससे क्या रहेगा कि जमीन पे जो हमारा खरपतवार है वहीं खत्म हो जाएगा जी। तो इस बात का थोड़ा किसान भाई ध्यान रखें। और साथ साथ में ये है कि अब जो पानी की समस्या कई जगह ऐसी मिल रही है तेज पानी आ रहा है और कई जगह कम पानी आ रहा है। तो मैं किसान भाई से ये कहूंगा कि जहाँ कम पानी है ना तो वो तो बिल्कुल निंदाई गुड़ाई से अपना खरपतवार का नियंत्रण कर रहे हैं, इससे उनको नमी का संरक्षण भी होगा और खरपतवार नियंत्रण भी होगा। और जहाँ ज्यादा पानी आ रहा है तो वहां पर रसायनों के साथ में अपना खरपतवार का नियंत्रण करें और खेत में पानी भरने ना पाए जी, ये ध्यान रखें। बहुत उम्दा जानकारी आपने हमारे किसान भैयारों के लाने दी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही संग आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतनी संपन्न हो रहा है। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधारे थे डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी, प्रमुख वैज्ञानिक अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई। आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।